इंदोर स्थित सिमरल अंचल 11 गाँव रहाणी कौन सी मृतक भितर जीवन देवाठ कम नुहे। पूर्वर टोपाए पापाई गाँव में हाहाकार देखा जाता। पानीर अभाव जो जमी पलटि गोचर पड़िया स्थिति एभली है जे गाईगोर मध्य पानी टिके पारे ना। रोजगार पर लोके गाँ छाड़ी सहर मुहाँ से ही समय एभली किछि हैला जहाँ ग्रामवासी भाग्य को बदल। गोटे समय एमती थिला जे इंदोर खंडाबा रास्ता स्थित सिमरल अंचल सुखिला जंगल रे बाई सेंडल मंडल भेरुघाट गजिंदा लालपुरा और तगड़ीपुरा भले 11 गाँव में पापाई हाहाकार देखा दे थिला। लोके केवल वर्षा उपरे थिले निर्भरशील। वर्षकरे किभली थरे फसल करिवे सही चिंतारे रहुथिले गाँ लोके। गाँ दे जाइथिबा सुकुड़ी नदी को चातक भली चाहि रहुथिले गाँ लोके। नदी में पा रही गाँ लोक कि समस्या दूर हो पारिथांता। गरम दिने वर्षा अभाव सुकुड़ी नदी सुखी जाउथिला। पानी समस्या दूर करने को जो सब ट्यूबवेल गाँ लोके खोली से कि लाभ हलानी। भिटामाटी छाड़क लगिले गाँ लोके। जमी मालिकाना थाई मध्य पर राज्य दादन खटुले गाँ लोके। मनीष तो मनीष गृहपालित पशु मध्य पानी नथिबारु त्राही त्राही डाकिले। एहाकु नै अनेक थर गाँ लोके प्रशासन द्वारस्थ मध्य होइथिले। शेषरे एमिती एक दिन आसिला जेतेबेले भगवान गाँ लोकंक डाक शुणिले। लोकंक प्रचेष्टारे नौकिमे अंचलरे प्रवाहित सुकुड़ी नदी पुनर्जीवित होइ उठिला। पहले तो बहुत बुरी स्थिति थी सर। हर नदी में जगह जगह खड्डे खोद रखे थे लोगों ने। अब नर्मदा लाइन का पानी आने से लोगों की मतलब हर खेती में हरियाली हरियाली है। मतलब हर लोग पाइप लाइन करवा लिए। दूर दूर से मतलब 2000 मीटर तक पानी जा रहा है। हमने खुद ने 2000 मीटर तक का कोई पाइप लाइन करवा रखा है। हमारी पूरी पहाड़ किनारे तक हमारी पियत हो गई है। अच्छा, नदी से कितनी फसल ले रहे हैं? हम अभी तो दो फसल ले गए। मतलब पहले हम एक ही फसल लेते थे बारिश की, अब गेहूं के भी दो फसल लेते हैं। सर यहाँ राजीव गांधी मिशन के थ्रू तो बने कम से कम 300-400 डैम, वो जंगलों में बने हैं, नाले उनको रोके गए पहाड़ी में, और बाकी जो बनाए गवर्नमेंट के तरफ से बने हुए हैं। हमारे यहाँ 9 किलोमीटर की नदी है हमारे गांव से भेरुघाट से लेके, उसके बीच में कम से कम 10 से 15 डैम बने हुए हैं। और अब नर्मदा जी का पानी छोड़ने से हमारे यहाँ पर्याप्त जल की व्यवस्था होगी सर। खेती भी करते हैं पीने के लिए, मवेशी के लिए सब टनाटन माल। स्थाने स्थाने खोलागला छोट छोट बैक डैम, यह जोड़ागला नर्मदा नदी सह। नर्मदा नदी सहायत पुणी जी उठिला सुकुड़ी नदी। वर्षा हेले तो ठीक अछि, अन्यथा गाँव उपरे रहिबो नर्मदा नदी कृपा। नर्मदा नदी आशीर्वाद रे बीती गाँ लोकंक दुखर दिन। सुकुड़ी नदी प्रवाहित अंचल निज निज जमी को पाइप पकाई गाँ लोके। एबे जमी पई रही भरपूर पानी। गोटे सीजन रे गाँव रे हेउछि तीन थर फसल। परिवा कारबार भी भल चली। गृहपालित पशु पानी समस्या ना तांगू गाँ लोके आरंभ कर क्षीर कारबार। सुकुड़ी नदी में पा आसवाप आखपाख जंगल भी हसी उठी। जो नदी को हमने पुनर्जीवित किया है उसमें बेसिकली ये प्रयास किए गए थे कि दो हमारी स्कीम्स हैं, एक है IWMP और दूसरी है रूरल मिशन। इसके अंतर्गत वाटर शेड मैनेजमेंट के जो मेन हमने जो लिया था वो स्टॉप डैम के प्रोजेक्ट लिए गए थे। उससे ये होता है कि जो पानी हमारे रेनी सीजन में होता है उसके बाद जब उसका बहाव कम हो जाता है तो जो पानी रह जाता है उसको संरक्षित किया जाता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो वहाँ के जो वेस्ट वेयर है उससे फ्लो करता है, वो आगे नदी में आगे प्रवाहित हो जाता है। इससे यह है कि नदी पे भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि छोटे स्टॉप डैम रहते हैं और ऊपर से वहाँ पे पानी भी अग्रिम जो सीजन रहते हैं जैसे जनवरी फरवरी मार्च इसमें भी संग्रहित रहता है, जिससे कि दूसरी फसल और तीसरी फसल लोग भी ले पाते हैं जहाँ के वहाँ के जो आसपास के किसान हैं। आगे कोई प्रयास वहाँ ऐसे ही हम लोग जो सिमरौल सेक्टर है इसके साथ साथ महू की और भी 2-3 हमने वाटरशेड के प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें कि और भी हम नदियां ले रहे हैं जहां जिसका हम पुनर्जीवन करने के लिए रिस्क टू वैली अप्रोच के साथ साथ जैसे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं लूज बोल्डर गेविन ये सब स्ट्रक्चर से लेकर छोटे स्टॉप डैम ये सभी लिए जाएंगे जो कि अग्रिम वर्ष 2021-22 की हम कार्य योजना बना रहे हैं जो कि प्रोजेक्ट उसका निष्पादन किया जाएगा। गाँ जमी पुणी फल पनीपरिवे भर्ती होइछि। बढ़ी गाँ लोकों आमदनी।
दादन खटिबा को बाहर को जाइथिबा लोके पुणी निज जमी को फेरी आसिछंती। गाँ लोकों परिश्रम वर्तमान फलप्रद होइछि। 11 गाँव रु पानी समस्या दूर होइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 24 घंटिया लाइव न्यूज देखिबा पाई डाउनलोड करंतु ईटीवी भारत आप।